মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পরে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা দখল করে থাকা দোকানপাট সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার শিলিগুড়িতেও উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলো। এদিন মাটিগাড়ায় সিটি সেন্টারের সামনে সরকারি জমি দখল করে রাখা বহু দোকান উঠিয়ে দেওয়া হয়। বহু বছর ধরে সেখানে প্রচুর দোকানপাট বসে গিয়েছিল। এদিন মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের তরফে অভিযান চালিয়ে সেই সমস্ত দোকানপাট তুলে দেওয়া হয়। यहाँ पे हम लोग काफी दिन से कर रहे हैं। मुझे तो नहीं, मुझे देना नहीं पड़ता है। मैं यहाँ का मतलब हम लोग बगान का थे, तो पहले तो ये गार्डन था, टी गार्डन हम लोग का परमानेंट काम था। तो अभी तो बगान टूट के जाने के बाद मैं यहाँ पे वही दुकान करते हैं, वही घर चल जाता है, 700-800 रुपये हो जाता है। अभी तो कुछ सोचा नहीं क्या करेंगे, करना तो चाहिए, क्या करेंगे आप। हमारा जो इसी से घर परिवार चलता था, तो ये चला जाएगा तो आएगा ही। हमारे जैसे चल रहे वैसे ही अगर हमारे लिए साइड में भी कहीं रास्ता में जगह मिले दुकान करने के लिए कुछ, तो अच्छा है, उतना ही चाहिए और क्या चाहिए। 12-13 साल हो गया यहाँ पर, सब कोई पुराना है। अब इसी से निर्भर है, इसी से मेरा फैमिली चलता है। परिवार में मेरा 5 बहन है, एक बूढ़ा बाबा है, सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, अकेला ही चलाता हूँ। अब सरकार का आदेश है तो हम लोग को हटना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था कर दे सरकार हम लोग का भी, हम लोग भी 2 रुपया कमा के अपने परिवार को खिलाए। बस अब कैसे करेंगे, अब जैसे आप भी सरकार का हम लोग रिक्वेस्ट करा देते हैं, नहीं बताया तो किया था, लेकिन हम लोग बस टेम्पोररी कर रहे थे, किसी तरह पेट पाल रहे थे, हम लोग किसी तरह अपना घर का फैमिली चला रहे थे। बस यही मेरा करीबन 13 साल हो गया मेरा यहाँ। बोलेंगे ना हम लोग, क्या बोल सकेगा, बोलिए हमको इतना साल हम लोग का ये जैसे रोजी रोटी चल रहा है, अभी हम लोग क्या करेगा। ये 2 दिन से हम लोग नहीं है ना, 11-12 साल से है ना हम लोग, कुछ ना कुछ नहीं है, 11 साल से हम यहाँ है, कोई नया नहीं है, पहला से है वो लोग ये कहने तो हुई चे। हमारे दुकानदारी करा 7-8 साल हुई चे, न टाका दी बोचे 9,000-6,000-7,000 मंथली এখানে ছেলে মানুষে না না নাম তো বলবো না দাদা, আমি এখানে এইরকম তো আমি জানি না। আমরা প্রশাসন পুলিশ সব থেকে আছি, এখানে এনক্রোচমেন্ট যেগুলো হয়েছে সেগুলোকে আমরা সরিয়ে দিচ্ছি। এখন তো হবে, আরো অভিযান চলবে, চলছে, যেভাবে যা চলছে হবে।